आगे बैठिए हमको पाते हैं और मैं नजर पाते हैं। हां आप क्यों नहीं आगे बैठ रहे? बैठना नाम है। वो तो सुपरवाइजर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। आज मैं आपको सुरक्षा रक्षक जो काम करता है वो किस तरह से काम करता है और शुरुआत में उसकी ड्यूटी कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगा। जहाँ पे पहले हमको शुरुआत में हमको जल्दी आना होता है। हमारा समय 8 बजे का है, 8 बजे हमें पोस्ट पे रहना चाहिए। उसके पहले अगर हम आते हैं तो 7:30 बजे हमको, कम से कम 7:30 बजे हमें यहाँ पे इस परिसर में पहुँचना चाहिए। इस परिसर में पहुँचने के बाद हमें पहले यूनिफॉर्म चेंज करना है। हमारा यूनिफॉर्म पहनने के बाद फिर बाद में हमको पंचिंग के लिए जाना है। पंचिंग के लिए जाने के बाद वहाँ पे अपने को रजिस्टर में नाम लिखना होता है। रजिस्टर यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे रजिस्टर है ऑफिस के सामने वहीं पे ही रहना चाहिए। बराबर आने का पंचिंग और जाने का पंचिंग ये बराबर ध्यान दे के आपको करना चाहिए। साइन भी इन टाइम भी है और आउट टाइम, आउट टाइम नहीं है तुम्हारा देखो। फिर ये सारी चीज़ें अगर आप भूलते हो तो गलत है। फिर बाद में आपका एब्सेंट लगेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना सब लोग? यस सर। हाँ तो उसके लिए आपको कौन से टाइम पे आना चाहिए? 7:30। हाँ लिफ्ट सामने है ना, यूरोक के है ना, यूरोक के पीछे 2 लिफ्ट हैं। हाँ यहाँ का भी लिफ्ट चालू है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए, ये जो मैं डे में रहता हूँ फर्स्ट शिफ्ट में रहता हूँ तब आपका ब्रीफिंग मेरे साथ होगा ही, मगर आप जब रहते हो डे में आप रहते हो नाइट में आप रहते हो तो डे और नाइट में आपका ब्रीफिंग होना चाहिए। कम से कम 5 से 10 मिनट तो होना चाहिए। अगर आप टाइम पे अगर आते हो तो होगा, नहीं तो होगा नहीं। 7:45 बजे से आपका ब्रीफिंग चालू हो के 8 बजे से 8 बजने के पहले 5 मिनट पहले आपको क्या करना चाहिए, ब्रीफिंग आपका होना चाहिए। फिर बाद में 7:55 को आपको पोस्ट के लिए निकलना चाहिए और निकलने के बाद 8 बजे आपको यहाँ पे पोस्ट पे होना चाहिए। आप बोल रहे हो आपने ऑकरेंस लिखा, ऑकरेंस क्यों नहीं लिखते हो? ऑकरेंस क्या होता है? रिपोर्ट ना। ऑक्यूरेंस क्या होता है? ऑक्यूरेंस क्या होता है? घडलेला गोष्टी रिपोर्ट जे काय असेल ते रिपोर्ट ना। ऑक्यूरेंस हमारे दिन में या रात में हम ड्यूटी करते हैं, जो जो हमारे घटनाएं घटती है, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, जो काम करते हैं, जो यहाँ पे बाहर से काम करने के लिए ऑफिस में आते हैं उनको परमिशन मिलता है, वो सारी चीज़ें काम के हमारे ऑक्यूरेंस में डेली ऑक्यूरेंस में होना चाहिए। सुपरवाइजर को ये करना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर आप लिखते नहीं हो तो क्या मतलब है? ये रिकॉर्ड रहता है, जो भी डेटा होता है वो रिकॉर्ड रहता है। वो रिकॉर्ड अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर पता कैसे चलेगा? एक दूसरे को हैंड ओवर करना होता है। डे और नाइट शिफ्ट दोनों है। नाइट शिफ्ट डे वाले को बताएगा क्या काम होता है, नाइट में क्या काम हुआ, बराबर क्या कल नाइट में क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। इलेक्ट्रिशियन हमारा क्या काम करता है? हाँ तो वही ना, जो काम करते हैं तो वही लिखना चाहिए ना। क्या हुआ इलेक्ट्रिशियन जो काम किए नाइट में, वो अभी मुझे मैसेज आया। हाँ फिर वो फोटो तो डाले नहीं, आपने डाले थे क्या? तुम्हें टाकले का फोटो शटर से? हाँ शटर, सिर्फ शटर नहीं, काम जो हो रहा था नाइट में जो भी है, लेकिन आपको आपके ग्रुप में डालना चाहिए ना आपकी तरफ से। अभी देखो इन्होंने ये काम किया है, बराबर इन्होंने ये जो काम किया है इसका ये अभी दीपक सर ने बताया, विवेक एंड महादेव जो रात में ATS एंड केबलिंग चे काम झाले त्याचे फोटो टाका। मग आपल्याकडनं जर टाकलं असतं तर आम्हाला सिक्युरिटी बराबर काम करता ये होता है ना। यस सर। है की नाही? यस समझ रहे कि नहीं आप? Yes, समझ रहा है। इतना ही उन्होंने एक ही फोटो डाला, अभी वो अभी का ही डाला रहेगा जो काम किया, लेकिन काम करते वक्त तो डालना चाहिए। Yes,
आपका ध्यान होना चाहिए कि दिन में अगर काम होता है, जो काम होता है उसका फोटो डालो, यहाँ पे ये ऑफिस में काम हो रहा है। लिबर्टी एक्सिस बैंक, लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी है, मालूम है यहाँ पे लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ से शुरुआत होती है वहाँ तक है, फिर बाद में यहाँ पे एक्सिस बैंक हो रहा है, ICICI बैंक ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, बाहर HDFC बैंक है कि नहीं, पारसिक बैंक है वहाँ पे, ये सब चीज़ें। और दूसरा कौन सा बैंक है यहाँ पे, यहाँ पे बाजू में HDFC है, HDFC के पहले नहीं, नहीं आपने देखा ही नहीं लगता है, अरे पहली बैंक ही, कौन सी बैंक है, एस बैंक है का? हाँ एस बैंक है, शिवान जी का है, शिव शिव, हाँ हाँ शिव का शिव, उसके लिए काम के लिए कोई आता नहीं है क्या? तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि लोग जब आते हैं, अभी मॉल एंट्री में आते हैं, अभी कल कंप्लेंट हुआ मॉल एंट्री में बैठे रहते आदमी, तो ये आपको लगता है कि यहाँ पे आपको तकलीफ है तो पोस्ट चेंज करो, मगर बैठो मत यहाँ पे, जब भी रिलीव होगा वो टाइम पे आप ये करो। तो हमारे सीनियर को, फिर बाद में आपके सीनियर कंपनी के जो कल आए थे, तो उनको तकलीफ़ होती है, फिर बाद में सुनना पड़ता है, फिर आपको अगर जॉब प्यारा रहेगा तो आप ठीक तरह से काम करो, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको समझना चाहिए कि हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे, चाहे मॉल एंट्री हो या कॉरपोरेट सेंटर हो या सिनेमा लिफ्ट हो या 5 नंबर लिफ्ट हो या कैप्सूल लिफ्ट हो, लेबर गेट हो, एग्जिट गेट हो, समझ रहे, इतने पोस्ट है, फिर बाद में सिगरेट पॉइंट एक पोस्ट है हमारा, फिर बाद में रोड पे हमारा गार्ड वहाँ पे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें है। दोनों मॉल एंट्री और कॉरपोरेट में क्या होता है, हमारा हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेक होता है, तो वहाँ का पोस्ट हमेशा खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे अगर कोई किसी को रिलीव करता है तो वो वहाँ पे अगर रिलीव करता है चालू है वहाँ पे अगर कोई रिलीव करता है तो उसको पोस्ट छोड़ना चाहिए, समझ रहे, समझ रहे ना? यहाँ पे जिस तरह से रिलीव होता है तब पोस्ट छोड़ा जाता है, उसी तरह कॉरपोरेट सेंटर में भी वैसा ही होना चाहिए, और फिर बाद में बाहर हमारा गार्ड अलर्ट रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रहना ही चाहिए, ठीक है? हाँ क्यों रहना चाहिए, बाहर बिगारी लोग बहुत आते हैं, बलून बेचने वाले बलून नाम के लिए लेते हैं और बच्चे को रखते हैं, और फिर बाद में वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, समझ रहे कि नहीं? तो ये सब चीज़ें दिन में बहुत सारे होती है, वैसे रात में भी मैंने शाम को एक देखा, कोई पागल भी आ जाता, हाफ बनियन में आया था और क्या किया उसने, ऐसे आके किधर भी घूम रहा था वो, कभी हाँ, तो वही तो ऐसे, इसके लिए हमको बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए। मैं शाम को 7 बजे मेरे घर से हेड ऑफिस बंद करने जा रहा था, तभी मैंने देखा उसको बाहर, मैंने भगाया, उसके बाद में मैं वैसे वैसे गया, फिर बाद में देखा नहीं। तो ये सारे चीज़ें क्या होती है कि दिन हो या रात हो, हमें इस रोड पे, इस जगह पे रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए कि अगर कोई गलत आदमी सामने आ जाता है तो उसको बाहर कर दो। हमारी बाहर अगर रिक्शा लगती है तो रिक्शा कहाँ पे लगना चाहिए, बाहर लगना चाहिए और वो साइड में लगना चाहिए, पुल के आगे। आप लोग अगर सीढ़ी पे हो, सीढ़ी पे हो तो सीढ़ी के नीचे आप रहोगे, बराबर, सीढ़ी के नीचे रहोगे तो आपको गाड़ी आते तो उसको ये कर सकते हो, भगा सकते हो, है कि नहीं, गाड़ी आ सकती है तो उसको रुकाओ, रुका सकते हो, नहीं तो एकदम एक कॉर्नर में रुकाओ, ऐसे काम करते हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे चेयर लेके बैठ जाओ, उसका कंप्लेंट हुआ है कि नहीं, वो पैर ऐसा रख के बैठा था, आपको मालूम है ना कैसे बैठना है, अगर चेयर पे अगर बैठते हो तो एकदम बॉडी अपना स्ट्रेट रहना चाहिए, स्ट्रेट जैसे आप बैठे हो वैसे स्ट्रेट रहना चाहिए, समझ रहे? तो ये चीज़ें है, मगर यहाँ पे मॉल एंट्री में तो नहीं बोले अभी, समझ गए? तो ये कंप्लेंट नहीं होने के लिए आप लोग पोस्ट चेंज करके नीचे जा सकते हो, कैप्सूल में जा सकते हो,
पार्किंग लिफ्ट में जा सकते हो, अपने लिफ्ट के इधर जा सकते हो, ठीक है। तो ये दो पोस्ट है जो ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडिंग रहेगा और अपना काम आप बराबर करोगे, वेलकम करोगे, बीच बीच में आपको बोलना चाहिए वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, समझ रहे कि नहीं, वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, फिर बाद में प्लीज़ बैग चेक कीजिए और काम होने के बाद थैंक यू सर आपको बोलना है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ ला? यस सर। जैसे जैसे आप बोलते हो कि इनको परमिशन है क्या, उनको परमिशन है, ये सब लिखो, अगर परमिशन रहेगा तो ही उनको काम करके दो, नहीं तो हमसे सवाल करो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं करते हो तो गलत होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका अपने को रिपोर्ट आपने दिया नहीं मेरे को अभी तक। अभी ये जो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर बोला था आपको, ये चालू है क्या बंद है? हाँ, एक जो खोला था मैंने, आपको बोला था आपके अपना ऑफिस के सामने ला के रख दो, रखा ऑफिस के सामने रखना है, आज करोगे कि नहीं? हाँ, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? CO2 CO2 है ना? Yes, तो ये कैसे टूटा कुछ पता चला? इसका ऑकरेंस में ऐसा रिपोर्ट लिखना चाहिए, मुझे ऐसे मिला कि जो यहाँ का टूटा, ये ऐसा होना चाहिए, बराबर कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये आराम से ये निकल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नीचे से बांधना चाहिए तब जाके वो टाइट होएगा, नहीं तो कोई भी ओपन करके इसको निकाल सकता है। देखो हाँ, तो ये सब कैसे लूज है, लूज, ये सब सारी चीज़ें अगर आप बराबर कर सकते हो, लूज है, हम लोग देखते हैं, आप लोग एंट्री करते हो ना खाली, अभी बोला क्या गया है कि तुमने ही उसको रिसीव किया है ना, तुमने ही रिसीव किया ना उसको? सर मला वाटतं नाईटला ते उंदीर कापतात ते पाईप वगैरे। हाँ, ये देख नट बोल्ट भी लूज है, तो ये सब चीज़ें आप क्या करो, चेक करो कम से कम, अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, दो मिनट लगा, बराबर कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको चेक करके बराबर सुपरवाइजर को रखना चाहिए, अगर जो खराब है वो मॉल के ऑफिस के सामने रख दो। अभी आपको मालूम है ये जो ये क्या इसके अंदर ही, लेकिन इसके ज्वाइंट रहना चाहिए, इसको होल टू होल मैच होना चाहिए। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, क्या बोलते हैं इसको, ABC? हाँ, ABC फायर एक्सटिंग्विशर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा? ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, ये CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, और ये BC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर है, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसमें भी पाउडर है, बराबर। ए क्लास के लिए, बी क्लास के लिए, सी क्लास के लिए, ए क्लास यानी साधारण आग, और बी क्लास यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन से लगी हुई आग, और सी क्लास यानी गैस की आग, बराबर। ये इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए है, और ये पेट्रोल डीजल केमिकल और गैस की आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखा है, बराबर। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें प्रेशर गेज है, वो ग्रीन पे है। हमारे पास कितने फायर एक्सटिंग्विशर है जो प्रेशर गेज डाउन हो गया है रेड कलर का, किधर रखा है वो? वो जमा करो ना, अभी वो सर ने कंप्लेंट किया है उनको, वो आएंगे और देखने के लिए, तो देखने के टाइम वो टाइम पे दौड़ के मतलब नहीं है, ठीक है। आज ये काम होना चाहिए और ऑफिस के सामने ला के रख दो, ताकि पाँच है मेरे ख्याल से, एक वापस ऊपर गया, नीचे गया, सब चेक करो आज। यस सर। अभी यहाँ से अभी आप लोग पोस्ट पे जाओगे तब आपको चेक करना है और ऑफिस के सामने ला के रख देना है। अभी ये आपको दिखता है ये फॉल्ट है, बराबर कि नहीं, इसका ऊपर का होज, ये होज बोलते हैं इसको, ये पाइप, बराबर, ये होज पाइप इस तरह से रहना चाहिए, वो टूट गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे चीज़ें ठीक तरह से है कि नहीं ये चेक करके रखना चाहिए। अभी वो वहाँ पर रखा है, और एक देखो है कि नहीं, उधर मैंने वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, वो धूल मिट्टी सिविल वर्क चालू था वहाँ पे,
वैसे रखा है तो ऐसे ही पड़ा रहता है कि हमारा लोकेशन हमको मालूम होना चाहिए। रात में अगर आपको लगता है कि कोई काम नहीं हमारे पास, तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड लिखो कि कहाँ कहाँ पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है, वो जगह पे है कि नहीं। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर कहीं पे भी आग लगती है तो कहाँ पे लगती है, मीटर रूम के इधर, मीटर रूम के इधर देखो आप, ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखा है कि नहीं। अभी इसमें से देखो वहाँ पे सील नहीं है, है कि नहीं है, लगाया कि टूटा है, टूट गया तो उसको लगा दो क्योंकि प्रेशर उसमें है। अभी जिसमें जिसमें प्रेशर नहीं है वो अपने ऑफिस के सामने ला के रख दो, समझ रहे हैं ना? यस सर। जब भी आग लगेगी कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करना पड़ेगा हमको। और अगर वो ख़राब रहेगा और हमारे सामने रहेगा तो हम लोग यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान में रखो ये सारी चीज़ें जो है, अभी उसको दूसरा तार भी से बांधो कि ताकि वो निकल ना जाए, सील रहे, कोई यूज़ ना कर पाए। ये है ना, ये जो पिन है ये पिन के अंदर से एक तार जाना चाहिए। अभी एक ये निकाला क्या, ये कौन सा था, चल आओ लो, ठीक है, समझ गए सब लोग? यस सर। आज के लिए काफ़ी है, कल से हमेशा मॉर्निंग टाइम में आप जल्दी आओगे और आप 5 से 10 मिनट का ब्रीफिंग लोगे, 7:30 बजे तक सब लोग जल्दी आओगे, हाँ, और फिर बाद में आपका पंचिंग होगा, आपका ब्रीफिंग होगा, पहले यूनिफॉर्म चेंज करोगे, रजिस्टर में एंट्री करोगे, सारी चीज़ें करके आप 10 मिनट के लिए ब्रीफिंग लोगे। सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, आगे मुड़, पीछे मुड़, समझ गए, कदम चाल, ये सारी चीज़ें हैं, आप जो कर सकते हो कर सकते हो 10 मिनट के लिए, और फिर बाद में 7:55 को आपको कोच पे जाने चाहिए। ये दिन में होना चाहिए और नाइट में भी होना चाहिए, ठीक है? अभी आप लोग सब लाइन में खड़े रहो।